मैं डॉक्टर एस पी सानी, बेसिकली आई एम ए ईएनटी सर्जन, और मैं जो हूँ लगभग 2 लाख पेशेंट्स अभी तक देख चुका हूँ, और टीयर सर्जरीज जो है लगभग 5,000 कर चुका हूँ, और नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप्स में गया हूँ, और लगभग 15 से 20 कंट्रीज में घूम चुका हूँ, और वर्कशॉप्स के जरिए ही समझिए सीखने के लिए। और मैंने अपना पूर्व ग्रेजुएशन जो है फर्स्ट अटैम्प में हम लोगों का मेरा सिलेक्शन हो गया था, और फिर यहाँ ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, फिर पूर्व ग्रेजुएशन भी ENT में यहाँ से किया, क्योंकि ENT में इतना यहाँ सिखाया नहीं जाता, तो फिर जरूर जाना पड़ा सीखने के लिए। तो हम लोग दोनों जो है ENT हॉस्पिटल जॉइन कर रहे हैं, तो साथ में ये हमारा पैशन है, क्योंकि हमारे जो फादर थे वो काफ़ी स्पिरिचुअल थे। स्पिरिचुअलिटी और साइंस ये आजकल एक ही चीज़ है। क्वांटम फिजिक्स वगैरह आप लोग पढ़ रहे होंगे, अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे कि बेसिकली क्या है कि साइंस और अध्यात्म ये एक ही चीज़ है, वो अलग चीज़ नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, जिसके आदमी में समझ, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग तो बहुत आगे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग बहुत पढ़ाई करते हैं वो भी आगे नहीं पहुंच पाते। इसका रीज़न क्या है? इसका भी एक रीज़न रहता है, क्योंकि क्या होता है, जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो सक्सेस रहते हैं, बेसिकली होता क्या है कि जैसे पेड़ है, अगर अपन पेड़ है, पेड़ की छाया को पानी देंगे तो क्या होगा? अगर पेड़ की छाया शैडो को पानी देंगे तो क्या होगा? पेड़ मर जाएगा। तो अगर उसकी रूट्स को पानी देंगे तो क्या होगा? पेड़ भी बढ़ेगा, फ्रूट्स भी बढ़ेगा और छाया भी बढ़ेगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो कॉशियस और सब कॉशियस माइंड है, कॉशियस माइंड से वर्क करते हैं, वो बेसिकली मंदिर जाना, आरती करना, पूजा करना, भजन करना, अभ्यास करना, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर दीज आर सिम्बॉल्स। ये बेसिकली क्या सिम्बॉल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके फादर की, आपने भैया ने जैसे आपके फादर की किसी ने पेंटिंग दिखाई, तो आप फादर को याद करेंगे कि पेंटर को याद करेंगे? फादर। हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे तो हिंदुस्तान को याद करेंगे कि नक्श नजीज को? ऐसे ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये जो है सिम्बॉल्स है किसी, ये जो है कोई मूर्ति है भगवान नहीं है, पर क्या है कि वहां आप जाते हो तो याद किसको करते हो? डिवाइन एनर्जी को, जिसको भगवान बोल लो, अल्लाह बोल लो, साई बाबा बोल लो, जो आपको बोलना बोल सकते हो, तो बेसिकली डेट इज एनर्जी। वो एनर्जी आप पढ़ रहे हो कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल भी क्या है? मैटर है। मोबाइल क्या है? मैटर है। एनर्जी किन लोगों की लगी है? आदमी की लगी है। कई लोगों के दिमाग लगे हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो है एनर्जी, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो आप क्वांटम फिजिक्स के लोग हैं। किसी ने इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं इंटरफेरेंस वगैरह? हाँ सर। इंटरफेरेंस का कुछ बताओ यार, जरा कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है स्लिट से, जो इंटरफेरेंस का कोई प्रैक्टिकल बताएगा? किसी को याद है? नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, अपन बीच में एक स्क्रीन रखते हैं, और स्क्रीन में फिर एक स्लिट कर देते हैं, तो फिर दूसरे स्लिट में जब दूसरे स्क्रीन पे जब जाता है तो पार्टी इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए पार्टिकल, और जैसे ही अपन दो स्लिट कर देते हैं तो वो एक शेडो बना लेता है। ये आप लोगों को पढ़ाया गया, पढ़ाया जाता नहीं? इसमें क्या है, कुछ 10th के लिए, कुछ 9th के लिए, और ये 12th का टॉपिक है। अच्छा, 12th वाले बताया भाई, अगर किसी को इंटरफेरेंस का नहीं आ रहा यार, फिर अपन उसमें रखते हैं और फिर बीएस लाइन के पार्टिकल। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। बेसिकली मेन बताने का मेरा मकसद ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो आपकी एनर्जी पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप एनर्जी हो बेसिकली। उस सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है वो 95% है। कोई बच्चा 5% की ताकत से दौड़ रहा है, तो कोई बच्चा 95% की ताकत से दौड़ रहा है,
तो टॉप कौन करेगा? 95। अब आप लोग जो 95% की ताकत से जुड़े और आपका सबकॉन्शियस माइंड खुले, उसके लिए अपने को क्या करना है? उसके लिए 7 स्किल्स हैं, जो कि अपन ईगल, ईगल का नाम सुना है? ईगल की कुछ क्वालिटी बताएगा कोई आदमी? है नजर तेज होती है, वेरी गुड। वो 5 किलोमीटर दूर से भी देख लेता है। आपका भी फोकस ऐसा ही होना चाहिए। भले आप यहाँ आ रहे हो भाई, जैसे मान लो हमारे यहाँ मांडले की माता है, हमारे हॉस्पिटल में, तो लड़कों की कई जगह तो नज़र बड़ी तेज होती है, क्योंकि कई लोग तो क्या है कि मत्था देखने जाते हैं, कई लोग और कुछ देखने जाते हैं, कोई लोगों की सेटिंग भी वहाँ हो जाती है। तो क्या है कि जिसका जैसा फोकस होता है वैसा उसका काम वहाँ पर हो जाता है। अपन यही समझते हैं कि भैया ने कर दिया, कोई आगे कह रहा है कि डाटा भाई तो मैया ने जोड़ी बनाई है, कोई कहता है कि डाटा हमको तो जो है डॉक्टरी वहाँ से प्राप्त हुई, कई लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग में हमारा माता मैया की कृपा से हुआ। पर ये बात है फोकस की, जैसा जिसका फोकस होता है वैसा ही उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए जब आपकी कोई भी नज़र है, जैसे आपको लगता है इसने कहा सिविल सर्विस, आपने कहा मेडिकल, तो अब आपका फोकस मेडिकल भी होना चाहिए और गोल शुड बी स्पेसिफिक। जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरा वेट ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वेट 80 किलो 600 ग्राम हो, ये स्पेसिफिक है। भले 10 साल में अगर मैं बढ़ गया हो जाएगा, 90 हो जाए, 80 हो जाए, तो नहीं। सबकॉन्शियस माइंड को गोल जो है स्पेसिफिक चाहिए। जैसे ये 5 किलोमीटर दूर से अपना फोकस देख लेता है, शेर है, शेर राजा क्यों है? शेर 58 किलोमीटर पर स्पीड से चल दौड़ता है, हिरन 98 स्पीड से चलता है, तो फिर भी ताकत शेर ने, राजा है वो, राजा क्यों है? उसका फोकस बहुत ही गोल ओरिएंटेड है, वो देख लेता है कि ये वाला हिरन मुझे खाना है, तो दुनिया भर के हिरनों पे ध्यान नहीं देगा वो उसी का रास्ता देखेगा। और हिरन की बैक क्वालिटी क्या है कि वो दौड़ता बहुत तेज है, तो बार 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 पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे उस टेस्ट में तो नंबर कम आए थे, इस टेस्ट में तो कम नहीं आएंगे, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यार वो तो मेरे से आगे हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है, पास्ट में एंकर नहीं करना है। इसलिए हिरन को पकड़ लेता है वो आइडिया लगा लेता है कि 10 बार पीछे देखेगा तो ये मेरे बराबर आ जाएगा, उसको वो कैप्चर कर देता है। तो पहली क्वालिटीज तो आप लोगों के लिए डेवलप करनी है ईगल से, कि आपका फोकस दूर दृष्टि होनी चाहिए। 5 किलोमीटर दूर जैसे उसने कहा मेडिकल, आ गए 10 मिनट से फोकस बना लिया, लोग बोलेंगे जैसे मैंने बोला, यार क्यों सुसाइड कर रहे हो, मेरी बात को बुरा मान, बोलते रहते हैं लोग, आपकी स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। यू शुड बी, आप फोकस बना लिया, बना लिया, आप उसके पॉजिटिव पॉइंट देखिए, कहीं मिलेंगे आपको, यार डॉक्टर बन के क्या करेगा, यार डॉक्टर बन के क्या करेगा। तो बेसिकली अपना फोकस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी बताया लीगल की जरा, यस बहुत ऊंचा उड़ता है, और कैसे उड़ता है, दोस्तों यारों के साथ उड़ता है कि अकेला उड़ता है? वेरी गुड, अकेला उड़ता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उड़ता भी है ईगल के साथ ही उड़ता है या अकेला उड़ता है, तो ऊंचा उड़ता है। वो ऊंचा उड़ता इसलिए है कि वो उसकी संगत अच्छी है। अगर आप मूर्खों के साथ रहोगे तो मूर्ख बन जाओ, अगर आपको जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर लोगों की जो देना चाहते हैं या डॉक्टर्स आपके संपर्क में हों, उनके कॉन्टेक्ट में हों, महीने में 15 दिन में उनको हॉस्पिटल्स में जाए, उनसे बात करें, उनसे इंटरेक्ट करें, रिलेटेड, मतलब जो आप बनना चाहते हैं उसकी संगत में, जब भी ऊँचा आप उठ सकते हो। आपने खुदने का ऊँचा होता है, और जो है इम्पोर्टेंट ये है कि और बर्ड्स के साथ ही उड़ता हूँ। और तीसरी, और कोई तीसरी बताओ, विजन बताया आपने, ऊंचा उड़ता है आपने बताया, और बताइए, कैप्चरिंग पावर, ग्रैब कर लेता है,
काफ़ी नज़दीक हुआ। बेसिकली क्या है, एक तो वो डेड फूड नहीं खाता, डेड फूड नहीं खाता, मतलब कोई अगर जैसे उसने ओवर 5 किलोमीटर उसने देख लिया कि ये बर्ड है, उसके पास बर्ड उसके पास है, तो वो क्या करता है कि डेड नहीं खाएगा, जिंदा ही पकड़ता है। तो इससे अपने को लर्निंग ये लेनी चाहिए कि अपनी जो पास की चीज़ें हैं उनको अपने को भुला देना चाहिए। जैसे मान लो कई जगह है, आपने KYP भी दिया होगा, आपने टैलेंट एग्जाम्स भी दिए होंगे, हो सकता है किसी कारणवश आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो ऐसा नहीं कि उसी में स्टक हो गए, उसी में आप लोग स्टक हो गए कि भाई डॉक्टर साहब जो है अब मेरा यार वहाँ तो हुआ नहीं, अब तक PMT में कैसे होगा, ऐसा नहीं है। मतलब पुरानी बातों में स्टक नहीं होना, रोज नया ही सोचना है, पुरानी बातों के साथ एंकर नहीं करना, जैसे जो कल हो गया उसको छोड़ देना है, ये मेंटल ब्लॉक, क्योंकि अगर आप ऐसा बनोगे तो आप देखिए हाथी कितना पावरफुल है, पर हाथी का बच्चा, बच्चे को जो हाथी का मालिक होता है क्या बोलते मावत बोलते हैं, तो उसकी टांग में एक रस्सी बांधता है और वो उसको खूंटी से बांध देता है, पर जब वो इतना पावरफुल भी हो जाता है तो वो बिल्डिंग तोड़ सकता है, अपार्टमेंट तोड़ सकता है, पर वो पैर में अगर बांध दो तो खूंटा नहीं छोड़ता, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बैठ गई। अभी मैं लेटेस्ट एक पिक्चर देख रहा था, हाथी भी कह रहा था कि जैसे पुराने लोग चले आ रहे हैं धरने पर, जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से उनका झुंड जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने मूवी देखी थी, उसमें क्या होता है कि एक तालाब में ये झुंड का झुंड पानी पीने जाता है, और वहाँ क्या बिल्डर कोई टाउनशिप बनाता है तो दीवार बीच में खींच देता है, तो महीने भर तक गए ये, और दूसरी तरफ भी तालाब होता है, पर हाथी दूसरी तरफ नहीं जाता, उसी तरफ जाता है और मरने तक की नौबत आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इंटेलिजेंट माइंड इज फ्लेक्सिबल, यू शुड बी फ्लेक्सिबल, आपको सबसे बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पहली लर्निंग अपन ने सीखी कि फोकस शुड बी स्पेसिफिक, अगर आपको ऊंचा उड़ना है तो आपको क्या करना है, अकेले उड़ना पड़ेगा या अच्छी संगत में उड़ना पड़ेगा, जो बनना चाहते हो उनके साथ उड़ना पड़ेगा। और दूसरा, वो खाना जो है फ्रेश खाता, मतलब फ्रेश अपना जो है टारगेट पकड़ता, ऐसे ही रोज फ्रेश मेहनत करता, ऐसा नहीं कि पुरानी मेहनत से अपने को चलना। और कोई बताइए, ईगल जब सबसे ऊपर उड़ता है तो क्या एंजॉय करता है, तूफान में ये एंजॉय। ऐसे ही क्या है कि अपने को भी लाइफ में कई चैलेंजेस आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी समझ के यूज करना चाहिए, ये सीख मिलती है, तो इसको बोलते हैं ईगल स्किल्स। पहली आपका फोकस स्पेसिफिक होना चाहिए, बाहर कोई कुछ भी बोले अपनी स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, अपना जो संगत है, आपकी जो संगत है वो आपके स्टैंडर्ड के लोगों के साथ ही होनी चाहिए, जैसी संगत वैसी रंगत आपकी पूरी होगी, पास में स्ट्रक नहीं होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो ईगल है वो जब अपना पार्टनर, फीमेल अपना पार्टनर ढूंढती है तो वो ऊपर से एक कुछ भी फ्लैश वगैरह फेंकती है, और जो उसको नीचे गिरने से पहले कैच कर लेता है उसी को वो अपना जो है लाइफ मेट बनाती है। कहने का मतलब ये है कि जो दोस्त आपका, आपके साथ दोस्त, उसी को पार्टनर बनाने के पहले, दोस्त बनाने के पहले, बुक्स पढ़ने के पहले, चाहे कोई भी लोगों से सीखने के पहले, आपको ये जज करना आना चाहिए कि ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसके पहले पूरी इंक्वायरी आपको कर लेनी चाहिए। ये सीख भी अपने को मिलती है कि जैसे आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उसके ट्रीटमेंट समझ लीजिए, मेक योर माइंड दैट लॉन्ग। आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पढ़ोगी फिर जाओगी, होता दिल्ली भी जाना पड़े, आईटीआई को भी लगेगा, बेस्ट कोचिंग ले लीजिए, जो बेस्ट है बाहर जाओगे तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जॉब एक्टने वगैरह एक्सप्लोर करते हो तो आपको बाहर प्रॉब्लम भी होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मानी जा रही है कि जब ईगल जो है बूढ़ा हो जाता है, जब वो उड़ने लायक नहीं रहता है, तो अपने फैदर्स को अपनी ही चोंच से काट देता, या तो वो मर जाता है तो या वो फिर जवान होकर उड़ने लग जाता। तो यू शुड हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, वो कब होगा, जैसे अभी लोग हैं, हम लोग क्या, जैसे मान लो बाहर जब जाते हैं, आप जानते हो
जो हमारा कलेक्शन है लाखों रुपए का वो भी रहता है, कम हो जाता है। फिर डॉक्टर नहीं है तो मरीज भी कम हो जाते हैं, बाहर जाते हैं तो सामान भी खुद उठाना पड़ता है, फॉरेन जाते हैं खाना भी खुद बनाना पड़ता है, मेहनत भी। उसके बाद भी हम एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। और जब अपन अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं तो आपका सब पॉशन माइंड खुलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आया तो मैं आप लोगों से सबसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सब लोगों से मिल रहा हूँ, मौका कैसे मिलता मेरे को। और मेरा माइंड भी एक्सप्लोर हो रहा है, और जो मैं बातें अभी आपको बता रहा हूँ ये मेरी स्लाइड्स में नहीं है, वो भी आप देखोगे ये मेरी स्लाइड्स में नहीं है, आप ही लोग बता रहे हो। तो मेरा ये सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो रहा है। अब ये मुझे बताओ कि स्ट्रेस जो होती है वो अच्छी है कि बुरी है? कैसे अच्छी है कैसे बुरी है बता, खड़े होकर बता। ओके वेरी गुड, ताली बजाना बिल्कुल इसने सही बोला। एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि मैं जो हूँ यार प्रॉब्लम फ्री या स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहता हूँ, ढूंढने का ठीक है आपके लिए कब्र खुदाते हैं उसमें आपको दफना देते हैं। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि विदाउट स्ट्रेस देयर इज नो लाइफ, अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो लाइफ क्यों नहीं है। पर स्ट्रेस के बेटा लेवल्स हैं, आपने जैसे बोला कि अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी तो इसलिए है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसने बोला कि भाई मेरे एग्जाम्स आ गए तो मैं अगर थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं करूँगी, जब हम स्ट्रेस करते हैं तो बॉडी में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जो आदमी में स्टेरॉइड्स भी रिलीज होते हैं जो आदमी की एक्टिविटीज बढ़ाते हैं। तो रात भर जगते रहते होंगे आप लोग और याद भी एक एक मिनट में होता होगा, वो केमिकल लोचा है, वो केमिकल्स है। क्योंकि क्या है कि अपनी बॉडी में यहाँ पर हाइपोथैलेमस रहता है, उसके आगे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, पीनियल ग्लैंड रहता है, फिर थायराइड रहता है, पैराथायराइड रहता है, समझ रहे हैं आप लोग, पैराथायराइड रहता है, फिर आपका जो है स्प्लीन रहता है, पैनक्रिया रहता है, फिर गोनेट्स रहते हैं, ये सेवन एंडोक्राइन हार्मोन्स रहते हैं। तो जब अपन स्ट्रेस करते हैं तो वो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस वन, स्टेप वन स्ट्रेस। ये अच्छी है कि सुबह किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, अरे यार मेरी मम्मी बीमार, आपको थोड़ी स्ट्रेस तो होगी पर थोड़ी हुई वो कोई ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आप अपने आप ही आपकी बॉडी एक्वेंटेड हो गई, तो एग्ज़ाम की स्ट्रेस होती है आपको तो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन रिलीज हुआ, आप तैयार हो गए। और दूसरे लेवल की स्ट्रेस क्या है, जैसे मान लो अभी यहाँ है और वीर जी ने कह दिया कि जो है आज भैया तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है, आप तैयारी करके नहीं आए, अब स्ट्रेस भयंकर हो गई, ऐसा लगा कि जैसे शेर आ गया हो। तो अब ये भी स्ट्रेस ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या है स्टीरॉयड, और पहले एड्रेनलिन रिलीज हुआ, नॉन एड्रेनलिन रिलीज हुआ, स्टीरॉयड रिलीज हुआ। अब आपने क्या किया कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम में आपके नंबर आ गए, आपने आपके नंबर आ गए कम, अब रोज ही आप उसका गाना गाते रहो, अरे वीर जी आपने तो मरवा दिया, अब मेरा मन ही लगता पढ़ने में, इतने सरल क्वेश्चन थे आप बताते तो मैं क्या पढ़ के नहीं आ सकती थी, क्या मैं पढ़ के नहीं आ सकता था। अब ये जो बार बार आपके अंदर जो मंथन चल रहा है ये फिर क्या करता है, ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू, अब शुरू हो जाती है आदमी की बीमारी। स्टेप वन जैसा कि आपने बताया कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, स्ट्रेस वन तक और स्ट्रेस टू तक तो अच्छा है, स्ट्रेस अच्छी भी है और बुरी भी है आगे की। अभी क्या है कि लेटेस्ट सर्वे हुआ था दोस्तों, उसमें क्या है कि मालूम पड़ा कि एंग्जाइटी जो है 37% इंक्रीज हो गई है ये पेंडेमिक के बाद, और स्ट्रेस जो है 28% इंक्रीज हुई है, एडिक्शन ड्रग्स एडिक्शन वगैरह जो है 17% इंक्रीज हुआ है। क्योंकि ड्रग्स लोग क्यों लेते हैं, अब जैसे अब ये स्ट्रेस विज्ञान ने अच्छा बताया कि गुड है कि बैड है, दोनों ही हैं। हाँ, और रोलों में अब मैं आपको जो आगे चीज जो चल रही थी, स्टेप वन बता दिया आपको कि एग्ज़ाम्स अगर आ गए, स्टेप टू में मैंने बता दिया कि बॉडी अपने आप ही जो है
डीआरएम कर लेती हूँ। ओके, स्टेप थ्री में क्या होता है कि अगर जैसे मान लो एक ही चीज का मंथन, मतलब पुरानी बातों को याद नहीं करना, क्योंकि जब बेटा आप पुरानी बातों को याद करते हो तो अनसर्टेनिटी होती है, तो एंग्जाइटी होती है, आगे जानते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा तो भी अनसर्टेनिटी। आपने कर दिया ठीक है, भी आप समझे पाकिस्तान से अपनी इंडिया की टीम क्यों हार गई, तो इतना ऐड हो गया कि वो खेल कम रहे थे, पाकिस्तान का युद्ध ज़्यादा कर रहे थे। मैं आपका एक नया इंटरव्यू पढ़ रहा था सचिन तेंदुलकर का, सचिन तेंदुलकर कहता है कि कई बार हम लोग जाते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ा प्रेशर रहता है कि एक दो बार जैसे मान लो नॉट आउट जीरो आउट हो गए तो प्रेशर रहता है कि बच्चा क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी और समाज क्या कहेगा, हम आउट हो गए तो प्रेशर रहता है, ग्रो आउट हो जाते हैं। तो उनको फिर सदगुरु करके गुरु है हम लोग जानते हो, उनने उनको आइडिया दिया कि भाई तेरे एक कंधे पे एक बच्चा बैठा है, एक पे बीवी बैठी है, तो तू कैसे खेल सकता है, बल्ला क्या चलाएगा, तू कुछ मत देख भाई, बॉल को देख, बॉल को देख और अपने बल्ले को देख जब भी तू राइज करे। तो बेसिकली कहने का मतलब कि आप लोगों का काम है मेहनत कर और रिजल्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेप थ्री, और डर भी डराना है, ऐड भी आता है डर के आगे जीत है। स्टेप फोर, फोर में क्या है कि जैसे मान लो फोर में क्या होता है, जैसे आप बार बार एक चीज़ के मंथन करते रहे कि यार मेरा पिछली बार तो पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार होगा कि नहीं होगा, साल भर अगर आप ये मंथन करोगे तो एग्ज़ाम आते समय आपकी बैटरी जैसे मोबाइल की उसमें चली जाती है, पावर मोड में, पावर सेविंग मोड में चली जाती है, ऐसे ही एंड में आपकी पावर सेविंग में चली जाएगी, मम्मी पढ़ तो लिया आप देख क्या होता है, मंदिर में चली जाना, प्रसाद चढ़ाया, और घर वाले भी और प्रेशर लगाते हैं, एग्जाम देने जा रहा हो आरती उतारेंगे तेरी, तिलक लगाएंगे, अब तो मेरा बेटा गुना बने गए, उससे प्रेशर और पड़ता है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स को भी आप शुरू से समझाओ कि मम्मी मैं जब जाऊँ तो उस दिन मंदिर मत जाना आप, ना मुझे तिलक लगा, प्रेशर नहीं पड़ता, आप बताइए कि प्रेशर पड़ता है उसमें भैया, कि मेरे जैसे हमारे पिताजी थे अब तक एक्सपायर हो गए, तो वो क्या था कि मेरा पीएमटी में रिजल्ट आया नहीं और उन्होंने बीबीसी लंदन की तरफ से, बीबीसी लंदन बहुत चलता था उस वक्त, उन्होंने पूरे शहर में कह दिया कि हम लोग श्री अनंतपुर को मानते थे हमारे पिताजी, मैं तो नहीं मानता, तो वो क्या है कि उन्होंने कहा गुरु महाराज जी की कृपा है, गुरु महाराज जी का प्रसाद मिल गया है और जो है इसका सिलेक्शन तो होगा, पूरे शहर में बता दिया। अब मेरी अंदर से दम निकल दी कि रिजल्ट आ रहा, और फीस का पेपर बहुत टफ गया था उस टाइम, जो है फीस का पेपर बहुत टफ गया था, मेरी दम निकल रही, और मैं फिर क्या जब एग्ज़ाम रिजल्ट ले रहे भैया गए थे हमारे, तो मैं अपने घर से हॉस्पिटल की तरफ, अपने शॉप की तरफ पैदल जा रहा था, अंदर से दुख हो रही थी, वहाँ पहुँचा तो मेरा जो मुझसे बेटर परफॉर्म करता था दोस्त को बैठा था, उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन सानी तेरा हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरी और दम निकली। मैंने कहा ऐसे किसी होता है कि प्रबोध का नहीं हुआ और मेरा हो गया, मैंने कहा नहीं नहीं भैया, तो भैया बैठा ही लिया है, मैंने भैया तो जब कृष्णा कोचिंग चलती है जब पहले, फिर मैं कृष्णा कोचिंग में गया, मैंने अपना वो देखा, जब मुझे तो क्या प्रेशर बहुत पड़ता है उस टाइम, कितना मेरा स्टूडेंट बढ़ा होगा, कितना मेरा वेट बढ़ा होगा, आप लोग सोच नहीं सकते, तो क्या स्ट्रेस से स्टूडेंट रिलीज होते हैं, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा अपने को, पेरेंट्स को भी थोड़ी सी एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा उनको गाइड करें, और अगर पावर सेविंग मोड में तो बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि आप भी उसमें भी कहना ठीक है यार जो हुआ तो हुआ, उसके पीछे पड़ा जाता है, तो फिर क्या है कि आपने को फिर क्या होता है कि फ्लड ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अभी तक तो क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज हो रहा था, अब जो है स्टेरॉइड का तूफान आने लग जाता है, तो वो तूफान क्या करता है किडनी को डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, और थायराइड की प्रॉब्लम देखो कितनी बढ़ रही है स्ट्रेस की वजह से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर आदमी कहता है क्रॉनिक फटीग, ठीक है आप दुकान पे गाँव में बैठ जाऊँगा, फैक्ट्री में तो हो नहीं रखा था, अब तो मैं दुकान ही संभालूँगा, कोई बात नहीं, पर जो लड़का बाप के साथ छुपक गया उसका खेल खत्म हो गया, और उस बाप के तो ही पता है इंडिपेंडेंट होना है, सबसे पहला काम यह है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पेरेंट्स नहीं कर सकते, इतना आसान काम नहीं है। पुराने ज़माने में स्ट्रेस कम हुआ करते थे, क्यों,
क्योंकि लोग अपना काम खुद करते थे, गांव में जाना उसी में बिजी थे। अब चक्कर क्या, अगर अपना काम खुद नहीं, उससे क्या फिजिकल एक्टिविटीज होती है, तो जब फिजिकल एक्टिविटीज होती है तो अपना सबकॉन्शियस माइंड खुलता है कि आप खेती कर रहे हैं, लोग देख रहे हो आप फोटो के अंदर खेती कर रहे हैं लोग। अब अपन क्या है, अब सिनेरियो बदल गया है, दिन भर कंप्यूटर पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बैठे हुए हैं। जब आपकी बॉडी चलती नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं खुलता। सबकॉन्शियस माइंड खुलता है अच्छा गोल बनाने से, अच्छी एक्टिविटी करने से, अच्छी एक्सरसाइज करने से, क्लोज टू डिटेल जाने से, अच्छे विचार देखने से, इससे खुलता है। और दूसरा क्या है, जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस का फार्मूला तो आप लोग मुझसे अच्छे जानते हैं, प्रेशर इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर आप रेजिस्टेंस जीरो कर दें तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। बेसिकली क्या है, जैसे मान लो मैं दोनों एग्जांपल बैठे, हम लोग क्या करते हैं कि बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर थोड़ा सा आदमी मिडिल एज में जाता है, पर होता क्या है पीछे पकड़ रहे थे। जैसे मान लो मेरी पत्नी है, जवानी से मिडिल एज में जा रही है, ये तो एक्सेप्ट कर रही है, इसने बाल वाइट रखेंगे, और मैं लॉरियल का कलर करता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जब हम कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वही स्ट्रेस। तो अपना रेजिस्टेंस अंदर का जीरो रखना है, इससे कि आपको स्ट्रेस ना हो। बाकी जो लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं, मैंने उनकी आपको क्वालिटीज डेवलप करने को बोला, वो आपको डेवलप करनी है। और उनका नेचर क्या होता है कि वो अप्रिशिएट करने की कोशिश नहीं करते, वो बाउंस बैक करते हैं। कोई बात नहीं यार, ऐसे ऐसे लोग हैं। जो एक डॉक्टर है हमारे यहाँ, 7 बार उसने PMT दी, फिर डॉक्टर बना, उसको लोग बेवकूफ कह देते। आप आइंस्टीन की सुन लीजिए, आइंस्टीन का बायोग्राफी पढ़ें आप। अगर आप आइंस्टीन की बायोग्राफी पढ़ें तो आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया था उसको, मालूम होगा वो चिट्ठी का मालूम होगा। तो आइंस्टीन की माँ ने चिट्ठी पढ़ के कहा कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, वो निकाल दिया। अब जब माँ मर गई, वो सर वो बन गया, इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया, तो उसने जो है चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि यह आपका लड़का बहुत बेवकूफ है, वो मेंटली रिटार्डेड है। तो उस इतनी मोटिवेशन का फर्क पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि ऐसे लोगों से मिलो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको निरुत्साहित करते हैं। ज़्यादातर घरों में आप देखते हो ये की करेगी, ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, उनसे दूर नहीं। ज़्यादातर सबकॉन्शियस माइंड को खोलने का जो तरीका है वो है सर्वस, याद रखिए। सुबह एक तो सुबह उठ के साइलेंस में बैठे थोड़ी देर, ए मीन्स आप जो है अच्छे एफर्मेशन बोलें कि आज मैं अच्छा करूँगी, अच्छी मैं बात करूँगी, अच्छे लोगों से मिलूँगी, किसी से लड़ूंगी नहीं। ये एफर्मेशन अपने माइंड को दें, वो सुनता है, शब्दावली आपकी अच्छी हो जाती है। वी मतलब क्या, विजुलाइज करें, फिर वैसा ही विजुलाइज करें कि मैं आज जा रही हूँ, सब मुझे अच्छे से मिल रहे हैं, अच्छे से मेरा वेलकम कर रहे हैं, मैं सबको थैंक यू कर रहा हूँ, सब मुझे थैंक यू कर रहे हैं, ऐसा विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन एक टेक्निक है जो बरसों से आ रही है। आज जो आप ये कंप्यूटर्स देख रहे हो, ये सीमेंट की ये चीज़ें देख रहे हो, ये किसी ज़माने में आदि मानस के ज़माने से लोगों ने विजुलाइज किए, जभी तो आज बन पाई है। फिर पहले जो है अपने दिमाग में बनती है। आपको आपने पहले बोला कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू मैटर, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। वही एनर्जी थी जो आज आपके सामने बनकर दिख रही है। जैसे मैं हूँ, आपको डॉक्टर सामने दिख रहा हूँ, पर अगर हम सीटी स्कैन करेंगे तो क्या देखिए, हड्डियों का ढांचा। अगर हम MRI करेंगे तो एक ऐसे धब्बे धब्बे दिखेंगे, और अगर आप पेट स्कैन करेंगे कुछ नहीं दिखेगा। तो कहने का तात्पर्य कि वी ऑल आर एनर्जीज, और जहाँ आपकी एनर्जी लगेगी वहीं आप तरक्की करेंगे। तो इसलिए अपनी एनर्जी पे बहुत ध्यान देना है, कहाँ आपकी जा रही है। जिस जगह आपकी एनर्जी लगेगी उस जगह आपकी जीत होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वैम भी हटा दो कि ये इंटेलिजेंट है भैया, ये तो पैदाइशी इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता। इमोशनल क्वोशन्ट इज बेटर देन इंटेलिजेंट क्वोशन्ट। जो आदमी अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है, अपनी थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल रखता है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट। और भी अगर आपको राइज करना है तो बेटर यही है कि आप जो है स्पिरिचुअल क्वोशन्ट भी बढ़ाएं। स्पिरिचुअल क्वोशन्ट बढ़ाने का आपके लिए क्या तरीका है, अच्छे से पढ़ाई करें, जब फ्री हो जाएं, कुछ अच्छे किसी भी जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं उन डॉक्टर्स की बायोग्राफी देखें, जो सिविल लाइन में जाना चाहते हैं उनकी इंटरव्यूज वगैरह देखें,
उनके इंटरव्यूज देखें, वो ज़्यादा बैठे, उनकी क्विज वगैरह देखें, तो दस उठे। क्योंकि क्या होता है, जब अपन लोग उठते हैं तो बॉडी के अंदर दो सिस्टम वर्क करते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, आपको उड़ाता है, मतलब आपको तैयार करता है कि ऑफिस जाना है, पेश करना है, टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, नहाना है। तो अगर इसी मोड में आप चलोगे तो गाली बकते हुए चलोगे, ये सिंपैथेटिक। अगर 10 मिनट आप अपने साथ 2 मिनट या 3 मिनट साइलेंस में बैठ जाते हैं तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम पैरासिंपैथेटिक में बदल जाता। तो आपने मुझे कुछ कहा कि भाई अब जैसे मैं आया तो मैं तो कुछ साइड में आया हूँ, आप देख ही रहे हैं, थोड़ी देर में सब काम ठीक हो गया। मैं उस टाइम रिलेटेड हो जाता, मैं आपको बोल ही नहीं पाता क्योंकि मैं पैरासिंपैथेटिक में चल रहा हूँ। तो मुझे लगा ठीक है जो हो रहा है तो ठीक है, क्या फर्क। तो आदमी का क्या, चलो ठीक है, उसने पत्थर मार दिया, बोला कांच तो नहीं टूटा ना यार, कोई बात नहीं माफ। तो ये पैरासिंपैथेटिक क्या कहता है, लेट गो, लेट गो। और सिंपैथेटिक कहता है आया सामने देखता नीचे उधर, तो समझ जाओ ये सिंपैथेटिक में चल रहा है। तो सिंपैथेटिक से पैरासिंपैथेटिक में चलो, उसमें पढ़ाई और अच्छी होगी। इसलिए 2-3 मिनट साइलेंस में बैठो, तो भगवान की मूर्ति जो भी आपको लगे, कुछ नहीं करना है यार, अंदर देखो आप, जिसको लाइक करते हो उसको देखो, कोई दिक्कत नहीं। आज साइलेंस में बैठो, अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं करना, आप लोगों को थ्राइव करना। थ्राइव मतलब होता है मस्ती से जीना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में ग्रो करना पड़ेगा, ऐसे लेक्चर सुनने पड़ेंगे, ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी, ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आना पड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने इतने ध्यान से सुना। सभी बच्चे अच्छे हैं, आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल है ही, आज वर्तमान उज्ज्वल है तो भविष्य उज्ज्वल है। आप पढ़ने आए हैं, टाइम पे आए हैं, आपको सुना, आप ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि क्या होता है कि सब चीज़ें डेस्टिन्ड है, सब लिखी हुई है ऑलरेडी, वो आगे की गहरी बातें हैं, उसके लिए अभी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस स्ट्रेस फ्री रहें, 1-2 तक जाने दें और आगे ना भेजें, मारी ना लगे, फोकस बढ़ा के ईगल की तरह 7 स्किल्स करके अपनी पढ़ाई सब क्वेश्चन माइंड के साथ, क्वेश्चन माइंड से पीछे रह सकते हैं। सब क्वेश्चन माइंड भूलता नहीं है, उसमें पिछले जन्म के भी बने होते हैं, ब्लैक बॉक्स भी होता है। ब्लैक बॉक्स जैसे हवाई जहाज के अंदर होता है ब्लैक बॉक्स, ऐसा ब्लैक बॉक्स सब क्वेश्चन माइंड में पिछले जन्मों का भी आता है। वो लंबी कहानी, उसके आप दिमाग मत लगाओ, पर सब क्वेश्चन माइंड की पावर जो है 95% है, उसको जगाएं। वो जब ही जगेगा जब जो है आप ये सब चीज़ें क्लोज टू नेचर इन एवरी रिस्पेक्ट, वेज ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जिस कोल्ड ड्रिंक, और आलू खाना मना नहीं है, आलू का बड़ा कम खा, दोस्ती अच्छी रखनी है, संगत अच्छी रखनी है। बस इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद।